कन्या भोजन हो रहा है, नौ कन्या कन्या भोजन हो रहा है इधर। यहीं पर जो माता वैष्णो देवी है ना, तपस्या करते हैं यहाँ पर, वध करते हैं माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी द्वारा भैरव बाबा का वध करते हुए। और यहाँ पर है भैरव घाटी में बाबा भैरवनाथ, जो इनका पूजा भी होता है वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। होपफुली काफी अच्छे हो गए। और अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेक्टर 6 में, और यहाँ पर अभी बना है सेक्टर 6 में माँ वैष्णो देवी जी का जो थीम पे पंडाल बना है और झांकी भी है। तो चलिए यहाँ पर माता रानी के दर्शन करते हैं और झांकी भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ का कैसा माहौल है पहले तो मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ। तो लगभग देखो यहाँ पर अभी अपन यहाँ पर है बाहर में, तो यहाँ पर धीरे धीरे ना स्टॉल लगी रहे अभी। लगभग जो माहौल आपको दिखेगा ना, कल से दिखेगा, आज तो दूसरा दिन है तो भी हल्का फुल्का क्राउड है। जब मैं कल आया था ना इधर से गुजरा था तो नॉर्मली तो स्टॉल उस्टॉल भी नहीं लगे थे, ये सब आज ही लगे। तो चलो चलते हैं, यहाँ का भी सीन दिखा दूँ। तो भाई यहाँ पर सभी लग रहा है ना भाई, पार्किंग लग रहा है इधर, पता ही नहीं क्यों। मतलब अभी मैं कुछ न्यूज़ में भी देखा था तो पार्किंग का चार्ज मतलब नहीं लेंगे, बट मैंने ऐसा सुना था, बट यार पार्किंग यहाँ पर लिया जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ना, यहाँ माता रानी का दर्शन अलग कर सकते हैं, और झांकी जो है जिनको झांकी देखना है वो अलग से जा सकते हैं झांकी के लिए, या फिर जिनको दर्शन करना है सिर्फ वो दर्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ का। बाकी ये चीज़ अच्छा नहीं लगा जो पार्किंग का जो चार्जेस लिया जा रहा है। यहाँ पास ना भाई गरबा भी होता है यार, मेरे को पता नहीं था। तो लगभग देखो गरबा का पूरा सेटअप उठप तो अभी चल रहा है, अभी साउंड सिस्टम की सेटअप, जो साउंड सिस्टम है ना डीजे वजे वो सेटअप हो रहा है। फ्रेंड्स हम लोग टिकट ले लिए हैं, और अपन लिए हैं जनरल वाला, क्योंकि जनरल अभी खाली है, तो इसलिए एक टिकट का प्राइस है 30 रुपये पड़ा एक टिकट का। तो चलो चलते हैं, अब देखते ही देखते भाई भीड़ होते जा रहा है यार। अभी तो अभी खाली था, अभी देखो वहाँ पर रोक रोक के ना एंट्री अंदर ले जा रहे हैं, फिर इधर बस रुकना है, फिर उसके बाद फिर उधर रुकेंगे, यहाँ पास रुकना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या वहाँ रुके अभी 5 मिनट, अब यहाँ रुकेंगे 5 मिनट। चलो भाई ये देखो काफ़ी प्यारी सी माता रानी की मूर्ति है, कितनी प्यारी लग रही है यार। भाई अपनी बारी आ गई, ये देखो अपन एंट्री कर लिए हैं गुफा के अंदर, और फिर यहाँ पूरा ना उसको गुफा की तरह बनाने के लिए देखो पूरा जड़ भी ना लगा दिया गया है। मतलब लगना चाहिए कि अपन एंट्री किए हैं गुफा के अंदर। चलो तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है माता वैष्णो देवी उत्पत्ति भगवान विष्णु के आदेश पर माँ लक्ष्मी सरस्वती और माँ काली ने अपने संयुक्त अवतार के दक्षिण राजा रत्नाकर के पुत्री के रूप में माँ वैष्णो देवी जिनका नाम पिता था उस रूप में जन्म लिया। मतलब माँ वैष्णो देवी जो है तीन रूप में जो जन्म लेते हैं, तो ये देखिए, और तीनों हैं सरस्वती माता पढ़ लेना इधर पर। बाकी यहाँ पर तो हनुमान जी और सब माता वैष्णो देवी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। चलो तो आगे में है जो कन्या भोजन हो रहा है, नौ कन्या भोजन हो रहा है इधर। यहाँ पास है भैरवनाथ जी द्वारा दिव्य कन्या माँ वैष्णो देवी की पहचान कर उनको पकड़ने का प्रयास किया। अच्छा जो शुरू में आप देखे थे ना कन्या, तो कन्या को इनको पता चल जाता होगा, भैरव बाबा को इनको पता चल जाता है, तो वही मारने के पीछे भागते हैं। यहाँ लिखा भी हो भैरवनाथ द्वारा माता वैष्णो का पीछा करना, जो भैरव बाबा पीछा करते हैं वैष्णो देवी जी का। चलो भाई आगे क्या और क्या देखने मिलता है। यहाँ पर जो है माता वैष्णो देवी हनुमान जी से जो कुछ मांगते हुए, भाई बहुत ज्यादा हिल रहा है यार। माता वैष्णो देवी जोड़ा बाण से पवित्र गंगा को प्रकट करते हैं, जो माँ वैष्णो देवी है प्रकट करते गंगा प्यासे वानर को, बाण मारकर जल पिलाना, जो जल पिलाते हैं वैष्णो देवी जी हनुमान जी को, तो यहाँ जल पी रहे हैं। नाक यही वाला था भाई, झूला टाइप का एकदम। चलो अब आगे चलते हैं, हनुमान जी को ना
रोकने के लिए बोलते हैं इनको, भैरव बाबा को, तो यही रोकते हैं माता का पीछा करने से, रोकने पर युद्ध करते हैं हनुमान जी और इनका भैरव बाबा का युद्ध होता है। यही पर जो माता वैष्णो देवी है ना तपस्या करते हैं यहाँ पर, जो कि आप देखे होंगे हनुमान जी जो भैरव बाबा रोकते हैं वो इन्हीं के लिए गुफा के अंदर चल जाते हैं माता वैष्णो देवी तपस्या करते हैं। यहाँ पर देखो फिर जो है वध करते हैं माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी द्वारा भैरव बाबा का वध करते हुए। और यहाँ पर सीन है भाई, ये है माँ वैष्णो देवी द्वारा पिंडित दर्शन। और यहाँ पर है भैरव घाटी में बाबा भैरवनाथ, जो इनका पूजा भी होता है वहाँ पर मंदिर में, वैष्णो देवी मंदिर के ना जस्ट वहीं आइट साइड मतलब बगल में ना, यहाँ मंदिर भी उनका भैरव बाबा का। यहाँ पर से माता को झूला झुलाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जो माँ वैष्णो देवी है झूला झूल रहे हैं। बच्ची झूला झूला रही है। चलिए अब यहाँ पर यहीं पर हो जाता है इंड झांकी का, तो चलो अब चलते हैं, अब माता रानी के दर्शन करते हैं। जस्ट अभी ना आरती खत्म हुआ है तो इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका है, तो सभी अभी जहाँ प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं यार, ये सब आसपास के एरिया वाले लोग हैं इसलिए ज़्यादा भीड़ दिख रहा है। चलिए तो अपन भी प्रसाद लेते हैं, चलो भाई प्रसाद मिल गया। जो है गाना उना भी जो है लिए ना बजने लग गए, तो मैं आ चुका हूँ बाहर में, और भीड़ तो भाई और बढ़ते जा रहा है भीड़। तो ठीक है फ्रेंड्स, माता रानी के भी दर्शन हो गए और झांकी भी अच्छे तरीके से मतलब देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को रखते इतना ही, आई होप कर तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाल से, अभी के लिए जय हिंद जय श्री राम जय माता दी।